ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल क्वेश्चंस थे, एलजेब्रा के मॉडरेट लेवल के थे एंड प्रॉफिट एंड लॉस के हाँ मॉडरेट लेवल के थे। हाँ अवॉर्डेड और अवॉर्डेड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो आप सब लोगों को पता है कि आज SSC CHSL का एग्जाम है और मैं आप लोगों को बता दूं कि SSC CHSL का ये बचा हुआ एग्जाम है। एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था कोरोना के चलते, 16 अप्रैल को जो है एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया था, तो जो बाकी एग्जाम बच रहा है वो आज से चल रहा है। तो आप सब लोगों को एग्जाम का मैं रिव्यू कराने वाला हूं, तो आप सब लोग प्लीज़ अंत तक बने रहना। यदि अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कोई भी आप लोगों का डाउट है तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसका लिंक दे दिया हूँ चैनल के अबाउट में। बाकी आप सब लोग अंत तक बने रहे। तो कितना अटेम्प्ट किया आपने? 69। कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चंस हाँ ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल क्वेश्चंस थे, एलजेब्रा के मॉडरेट लेवल के थे एंड प्रॉफिट एंड लॉस के हाँ मॉडरेट लेवल के थे, हाँ इतने याद है। अच्छा, और मैथ जिया सृजनी में क्या आपको आसान लगा? इंग्लिश सिंपल थी, मैथ्स मॉडरेट थी, सिंपल टू मॉडरेट थी एंड रीजनिंग इज मॉडरेट, यही था। और GS इज वो तो टफ भी थी, सिंपल था, बाकी अच्छा था पेपर। कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन तो इतना ऐसे याद नहीं, बट जो आपकी करंट अफेयर आ रही है ना वो आपकी 2020 की और जनवरी फरवरी तक की ही आ रही है। जी इसमें कुछ याद है? नहीं ऐसे तो कुछ याद नहीं ज़्यादा खास, बाकी पेपर तो अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 78। तो क्या लग रहा है, संभावना बन रही है कि नहीं? जी बिल्कुल बन रही है पूरी। और मैथ रीजनिंग जी इसमें क्या आसान लगा आपको? सर इजी तो कुछ भी नहीं था इसमें, हार्ड ही था सब कुछ। पेपर ठीक था, नॉर्मल था, इजी था पेपर। तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 85 के अराउंड भैया। तो क्या आसान लगा मैथ रीजनिंग जीएस में कुछ? लगभग जीएस इजी थी और मैथ भी नॉर्मल था, सही पूछा गया था। कोई क्वेश्चन याद है? हाँ मतलब ज्यादा ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के थे, कुछ कुछ लगभग इजी था पैटर्न, मतलब ठीक पूछा गया था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 85।